दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाना चाह रहा हूँ जो कैमरे के पीछे बहुत बड़ा परिचय रखते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पर्सनल मेकअप मैन मिस्टर दीपक सावंत, जो पिछले 47 ईयर्स से अमित जी का मेकअप कर रहे हैं, उनके खूबसूरत चेहरे को कैमरे के सामने और ख़ूबसूरत बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और सबसे ख़ास बात कि जंजीर जब चल रही थी शूटिंग, तब इन्होंने उनको ज्वाइन किया था और आज 47 ईयर्स तक उनके साथ हैं। आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और अमित जी के कैमरे के पीछे के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बताते हैं उनके मेकअप मैन की नज़र से, मिस्टर दीपक सावंत। दादा नमस्कार। नमस्कार। कटाक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों को हम बता दें कि हमारे सामने हैं मिस्टर दीपक सावंत, जो अमिताभ बच्चन जी के पर्सनल मेकअप मैन हैं और उनके चेहरे की खूबसूरती का राज इनके हाथों में है। पिछले 45 साल से इनके साथ हैं और अमित जी को जितना भी आप स्क्रीन बड़े स्क्रीन पे आप खूबसूरत दिखते हैं, वो सारा करामात जो है वो दीपक जी का है। तो दादा सबसे पहले तो ये है कि करीबन 45 साल हो गए आपको अमित जी के साथ काम करते हुए। हाँ जी, 47 ईयर। तो साथ कैसे काम करना शुरू हुआ, मौका कैसे मिला? तभी मैं जब नया नया था, वो भी नए नए थे। अच्छा, तो उनकी शुरुआत थी, मेरी भी शुरुआत थी। तो आप दोनों की कौन सी पिक्चर पहली थी? जंजीर का एंड चल रहा था और एक पिक्चर थी रास्ते का पत्थर, जिसमें हम लोग साथ में काम शुरू किया था। अच्छा। फिर उनका स्वभाव और मेरा काम करने का तरीका, ये दोनों को, उनको मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगा और मुझे उनका स्वभाव अच्छा लगा, उनका नेचर अच्छा लगा। तो उनका जो ड्राइवर है नागेश करके था, अभी तो गुजर गए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि साहब आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप क्यों नहीं साहब के साथ काम करने के लिए बोलते हो। थोड़ा टाइम मैंने सोचा कि अभी जी इंसान तो बहुत अच्छे हैं, नेचर उनका बहुत अच्छा है और एज एन एक्टर भी बहुत कमाल के है। एक्टर भी कोई भी आदमी काम करने के पहले ये सोचता है कि फ्यूचर क्या है। दूर चले गए तो मुझे रोजी रोटी मिलेगी, सही बात, सही बात। चलेंगे तो मुझे रोजी रोटी नहीं मिलेगी। सोच के फिर मैंने उनको ऑफर किया कि भाई ऐसा ऐसा है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लिया, बोला हाँ ऑफ कोर्स साथ में काम करेंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि जंजीर के टाइम में भी एक बड़े आर्टिस्ट थे वो, तो इतने बड़े आर्टिस्ट को आपने अप्रोच कैसे किया? जंजीर लगी नहीं थी। अच्छा, जंजीर की शूटिंग चल रही थी। चल रही थी शूटिंग, लास्ट लास्ट पोर्शन चल रहा था उनका और हमारी पिक्चर का भी चल रहा था। फिर तो मतलब जंजीर हिट हुई और आप दोनों की जोड़ी हिट हो गई। नहीं, तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि भैया आपकी जो पिक्चर है थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, तो अभी मेकअप में आप मत रखिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है दीपक, मैं रखूंगा तो आपको रखूंगा, आपके सिवा किसी को रखूंगा नहीं। तो मेरे पास भी उधर राज खोसला फिल्म्स थी, बी आर फिल्म्स थी, ऐसे बहुत सारी
चार पांच कंपनी थी मेरे पास, मैंने ऐसा लगा कि इन्होंने बोला है तो मेरे पास तो काम था, ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर हम लोग काम करते रहे, फिर वो बनते बनते जंजीर हिट हो गई, होने के बाद फिर उन्होंने वो किया, बोला कि अब आओ मेरे साथ, मेरे साथ काम चालू करो। तो इन बिटवीन हम लोग मेकअप तो करते थे, मैं उनका भी मेकअप करता था, वहां भी करता था, लेकिन एक फर्म बोलते हैं ना कि एज ए मेकअप, उन्होंने जंजीर के बाद रखा। अच्छा, उनके मेकअप में आप किस तरह की चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं? मेकअप पे नॉर्मली क्या होता है कि कैरेक्टर को देखना पड़ता है, वो कैरेक्टर कौन सा प्ले करते हैं। एज अमिताभ जी कैरेक्टर नहीं है, अमिताभ जी है। कौन सा प्ले करते हैं? एक कुली है, तो कुली कैसे होते हैं, कुली कैसे होते, कुली को कैसी दाढ़ी होती है, कैसे रफ्टअप होते हैं, और एक डॉन है तो डॉन कैसा होता है। तो ये सारा पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, होमवर्क करने के बाद उसके ऊपर विचार करना पड़ता है कि ये रईस आदमी है, ये राजा है, या ये कोई पुलिस ऑफिसर है, या ये ऐसा है। तो ये सारे कैरेक्टर्स को अपने को अपने जहन में रखना पड़ता है, और जब ऐसा कोई रोल आया, उनका रोल आया, जैसे रास्ते के बत्तर में कॉमन आदमी थे, उनमें भी एक कॉमन आदमी थे, कहीं कहीं ऐसे जैसे गेटअप्स आते हैं, वो गेटअप्स तब आते हैं जब कोई जैसे खुदा गवाह है। तीन चेंजेस है उनमें, एक यंग है दाढ़ी वाला, फिर एक ओल्ड में है, तो ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं। जब चेंजेस करते हैं, अभी खुदा गवाह में जैसे हमने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, खुदा गवाह में जैसे कि वो पठान है, तो अमित जी कोई पठान तो है ही नहीं, लगाने के लिए पठान दिखने के लिए उस प्रकार का मेकअप करते तो पठान लगते, उनके जो कपड़े है स्टाइल और उनका बोलचाल है, वो बोलचाल उसकी पठान की तरह करेंगे तो वो 101% पठान लगेंगे। सही बात। तो ये वीक कितना लगाए हुए, वो भी आपका दिया हुआ है? ऐसे वीक जरूरी कौन से फिल्म में होता है, या कोई कोई ओल्ड एज में लगता है, ओल्ड एज में। हाँ, खुदा गवाह में स्टार्टिंग में वीक नहीं था, उनके ओरिजिनल यंग में ओरिजिनल थे, और पीछे थोड़े से बाल बढ़ाए थे हम लोग, तो एक पट्टी लगा दी थी तो बाल बड़े हुए दिखते थे। ओल्ड में वीक था उनका, ग्रे हेयर का वीक था। तो ऐसे करके हमको कैरेक्टर को लाना पड़ता है, और कैरेक्टर को जब लाते हैं तो अमित जी का क्या होता है कि कैरेक्टर में जब आते हैं ना तो अमित जी एकदम चेंज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उनकी फिर एक्टिंग की स्टाइल भी चेंज करते हैं, वो कैरेक्टर से तो बोलचाल भी चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से अमित जी का, आपको कोई भी पुरानी पिक्चरें देख लीजिए, आपको अमित जी ऐसे लगेंगे कि वो पार्ट ऑफ वो लाइफ है उसकी। और बाकी लोग कैसे करते हैं, तो अगर वो रफ है तो वहां चिकने बन के आ जाते जी। जहां वो कैरेक्टर को हम लोगों को, मेरे को फॉलो करना पड़ता है। तो अमित जी अपने कैरेक्टर के बारे में आपको खुद बताते हैं या डायरेक्टर बताता है? दोनों। अमित जी भी बताते हैं, डायरेक्टर भी बताते हैं, और स्क्रिप्ट बताती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है स्क्रिप्ट। तो पहले जमाने में क्या होता था, स्क्रिप्ट किसी को सुनाते नहीं थे, चोरी हो जाती है। अगर मैंने को सुनाया, किसी को सुनाया, तो दूसरे को बोल दिया, तो चोरी हो जाती जी।
तो उस जमाने में स्क्रिप्ट सुनाते नहीं थे, लेकिन मैं क्या करता था, एक अमित जी से सुन लेता था कि रफ टप उनका कैरेक्टर क्या है। फिर क्या करता था मैं कि उनका सीन आता था ना, वो सीन जब आता था ना तो सीन में पढ़ता था वो, उनका सीन पढ़ के फिर मैं वो करता था कि इमोशनल सीन है इसमें इतना रफ टफ रखना पड़ेगा, तो वैसे मैं मेकअप करता था। फिर ऐसा लगता था कि वो किधर एकदम फ्रेश है, गाना है, उछल कूद है या ऐसा कुछ है, हीरोइन के साथ मौज मस्ती है, ऐसे मतलब उसमें फिर उनको ब्राइट रखता था। अच्छा, उनके जो मेकअप का सामान होता है वो खुद मंगवाते हैं कहीं से या आप अपने हिसाब से लेके आते हैं? अपने हिसाब से लेके आते थे। पहले जमाने में कंपनी थी मैक्स फैक्टर करके, उसका चोरी छुपे सामान आता था। अच्छा, तब ब्लैक होता था और किसी के घर में आता था, फिर उधर जाके उसके घर से लेना पड़ता था और फिर वो सामान से फिर हम लोग ये करते। अच्छा, मतलब मेरा बोलने का मतलब अमित जी खुद सामान मंगवाते थे मेकअप का या आप अपने हिसाब से जो भी लाते थे वो यूज करते थे? अपने हिसाब से लाते थे, क्योंकि हमें यूज करना है ना। हाँ हाँ, तो आप मतलब पूरा डिसीजन आपका होता था? हाँ पूरा, फिर डार्क कौन सा है, लाइट कौन सा है। ये दादा, मेरे पूछने का मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार, उनका चेहरा, उनका फ्यूचर आपके हाथ में था, तो मेकअप को लेकर के वो क्या कॉन्शियस थे या आपके ऊपर आंख मूंद के भरोसा करते थे ठीक है दादा आप जो लगाओ? नहीं, वो जैसे मैंने कर दिया मेकअप, तो कर देने के बाद वो देखते थे।